टीकाकरण के लिए तथ्य पत्र फोजन फार्मा बायो एनटेक कॉमर्निटी यानी BNT162B2 COVID-19 mRNA वैक्सीन संस्करण दिनांक 11 नवंबर 2021। कॉमर्निटी क्या है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? कॉमर्निटी एक टीका है जो सार्स कोवी-2 वायरस के कारण हुए COVID-19 की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। कॉमर्निटी 12 साल और उससे अधिक उम्र के किशोरों और वयस्कों को दिया जाता है। टीका प्रतिरक्षा प्रणाली यानी शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा के लिए एंटीबॉडीज और रक्त कोशिकाओं के निर्माण का कारण बनता है जो वायरस के खिलाफ काम करते हैं, इसलिए कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि कॉमर्निटी में प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए वायरस नहीं होता, इसलिए यह आपको कोविड-19 नहीं दे सकता। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए वैक्सीन को बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण यानी टीकों का उपयोग के अधिनियम यानी नियम 599 के तहत उपयोग के लिए अधिकृत किया गया है। इसे हांगकांग में फार्मेसी और पॉइजन्स ऑर्डिनेंस यानी नियम 138 के तहत पंजीकृत नहीं किया गया है। फुटनोट: टीका आपूर्तिकर्ता द्वारा दी गई जानकारी का पालन करें। आपको कॉमर्निटी लेने से पहले क्या जानना जरूरी है? कॉमर्निटी नहीं दिया जाना चाहिए यदि आपको कॉमर्निटी की पिछली खुराक से या सक्रिय पदार्थ या इस दवाई के किसी अन्य अवयव से निम्न सहित एलर्जी है: 4 हाइड्रोक्सीब्यूटाइल, एज़निडिल 20, हेक्सेन 6, 1 डिल 20, 2 हेक्साइल डी का नोएट यानी ALC0315, 2 पॉलिथिन ग्लाइकोल 2000 NN डीटेट्राडेसिल एसिटामाइड यानी ALC0159, 1-2 डिस्ट्रॉयल सन बीसरो, 3 फास्फोकोलिन यानी DSPC, कोलेस्ट्रॉल, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, डाई सोडियम फॉस्फेट, डाइहाइड्रेट, सुक्रोज और इंजेक्शन के लिए पानी। चेतावनियां और सावधानियां: टीका दिए जाने से पहले अपने डॉक्टर, फार्मासिस्ट या नर्स से बात करें। अगर आपको कभी कोई अन्य वैक्सीन का इंजेक्शन या अतीत में कॉमर्निटी दिए जाने के बाद गंभीर एलर्जी की प्रतिक्रिया या सांस लेने में समस्या हुई हो, टीका आपूर्तिकर्ता द्वारा दी गई जानकारी का पालन करें। आप टीकाकरण प्रक्रिया को लेकर घबराहट महसूस कर रहे हैं या किसी सुई के इंजेक्शन के बाद कभी बेहोश हो गए हैं, आपको तेज बुखार के साथ कोई गंभीर बीमारी या संक्रमण हुआ हो, तीव्र ज्वर रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए टीकाकरण में देरी की जानी चाहिए, आपको रक्त स्राव की समस्या है, आपके जल्दी नील पड़ जाते हैं या आप रक्त थक्कों को रोकने के लिए किसी दवा का उपयोग करते हैं, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली HIV संक्रमण जैसी किसी बीमारी के कारण कमजोर है या कार्टिकोस्टेरॉइड जैसी कोई दवा आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है, मायोकार्डिटिस यानी हृदय की मांसपेशियों की सूजन और पेरिकार्डिटिस यानी हृदय की बाहरी परत की सूजन के बहुत दुर्लभ मामलों को कॉमर्निटी टीकाकरण के बाद रिपोर्ट किया गया है। मामले मुख्य रूप से टीकाकरण के बाद 2 सप्ताह के भीतर हुए हैं, ज्यादातर दूसरे टीकाकरण के बाद और ज्यादातर युवा पुरुषों में हुआ। टीकाकरण के बाद आपको मायोकार्डिटिस और पेरिकार्डिटिस के संकेतों जैसे सांस की तकलीफ, घबराहट और सीने में दर्द के प्रति सचेत रहना चाहिए और ऐसा होने पर तत्काल चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। किसी भी वैक्सीन की तरह कॉमर्निटी के 2 डोज का कोर्स करने वाले सभी लोगों की पूरी तरह से सुरक्षा नहीं की जा सकती है और यह ज्ञात नहीं है कि आप कब तक सुरक्षित रहेंगे। बच्चे: कॉमर्निटी 12 साल से कम बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं है। अन्य दवाइयां और कॉमर्निटी: अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को बताएं यदि आप किसी अन्य दवाई का उपयोग कर रहे हैं, हाल ही में किया है या कर सकते हैं, या हाल ही में कोई अन्य टीका लगवाया है। गर्भावस्था और स्तनपान: वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज पर
वैज्ञानिक समिति और मुख्य कार्यकारी के विशेषज्ञ सलाहकार पैनल यानी JSC-EAP के साथ उभरते और जूनोटिक रोगों पर वैज्ञानिक समिति ने स्वीकार किया कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में mRNA COVID-19 टीकों के उपयोग पर डेटा उभर रहा है। दिया गया है कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं को mRNA COVID-19 टीके से कोई खतरा नहीं है, उन्हें बाकी जनसंख्या के लिए कॉमर्निटी टीके यानी mRNA COVID-19 टीके लगाने की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाएं जो कॉमर्निटी टीका यानी mRNA COVID-19 लेने पर विचार कर रही हैं, उन्हें टीकाकरण के खतरों और फायदों के बारे में अपने प्रसूति विज्ञानी से सलाह करनी चाहिए। गाड़ी और मशीन चलाना अनुभाग 4 यानी संभावित दुष्प्रभाव में उल्लिखित टीकाकरण के कुछ प्रभाव गाड़ी और मशीन चलाने की आपकी क्षमता को अस्थायी रूप से प्रभावित कर सकते हैं। गाड़ी या मशीन चलाने से पहले इन प्रभावों के खत्म होने की प्रतीक्षा करें। कॉमर्निटी में पोटेशियम और सोडियम शामिल है। इस टीके में प्रति खुराक 1 मिलीमीटर यानी 39 मिलीग्राम से भी कम पोटेशियम होता है। इसे अनिवार्य रूप से पोटेशियम मुक्त कहा जा सकता है। इस टीके में प्रति खुराक 1 मिलीमीटर 20 मिलीग्राम से भी कम सोडियम होता है। इसे अनिवार्य रूप से सोडियम मुक्त कहा जा सकता है। कॉमर्निटी कैसे दिया जाता है? कॉमर्निटी आपकी ऊपरी बाजू की मांसपेशी में 0.3 ml के इंजेक्शन के विलयन बनाने के बाद दिया जाता है। आपको लगभग 21 दिन के अंतराल में 2 इंजेक्शन लगेंगे। कॉमर्निटी की पहली डोज लेने के बाद आपको टीकाकरण का कोर्स पूरा करने के लिए 21 दिन के अंतराल में उसी टीके का दूसरा डोज लगवाना चाहिए। यदि आपके पास कॉमर्निटी के उपयोग को लेकर और कोई सवाल है तो अपने डॉक्टर, फार्मासिस्ट या नर्स से पूछें। JSC-EAP ने लोगों के विशिष्ट समूहों के लिए COVID-19 वैक्सीन की एक अतिरिक्त खुराक यानी तीसरी खुराक की सिफारिश की। विवरण के लिए कृपया पूरक तथ्य पत्रक तीसरी खुराक COVID-19 टीकाकरण के लिए सिफारिश देखें। COVID-19 संक्रमण से ठीक होने वाले व्यक्ति जो mRNA वैक्सीन प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें पहली खुराक के लिए पिछले संक्रमण से छुट्टी मिलने के बाद कम से कम 90 दिनों तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। वर्तमान में उन्हें अतिरिक्त खुराक यानी खुराक देने के संबंध में डेटा की कमी है। उन्हें अपने चिकित्सकों से चर्चा करनी चाहिए और यदि दिया गया है तो 2 खुराक के बीच में कम से कम 180 दिनों के अंतराल की सिफारिश की जाती है। टीका आपूर्तिकर्ता द्वारा दी गई जानकारी का पालन करें। संभावित दुष्प्रभाव दूसरी वैक्सीन या टीकों की तरह कॉमर्निटी के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, हालांकि ये हर किसी में नहीं होते हैं। बहुत ही सामान्य दुष्प्रभाव इंजेक्शन वाली जगह दर्द, सूजन, थकान, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, ठंड लगना, जोड़ों का दर्द, डायरिया, बुखार। इनमें से कुछ दुष्प्रभाव वयस्कों की तुलना में 12 से 15 साल के किशोरों में थोड़े अधिक थे। प्रभावित कर सकते हैं 10 लोगों में एक से अधिक को। सामान्य दुष्प्रभाव इंजेक्शन वाली जगह पर लालिमा, जी मचलाना, उल्टी आना प्रभावित कर सकते हैं 10 लोगों में से एक को। फुटनोट टीका आपूर्तिकर्ता द्वारा दी गई जानकारी का पालन करें। असामान्य दुष्प्रभाव बढ़ी हुई लसिका ग्रंथि, अस्वस्थ महसूस करना, बाजू में दर्द, अनिद्रा, इंजेक्शन वाली जगह पर खुजली, एलर्जी संबंधी प्रतिक्रिया, उदाहरण के लिए लाल चकते, खुजली, कमजोर महसूस करना या ऊर्जा की कमी, नींद आना, भूख कम लगना, अत्यधिक पसीना आना, रात का पसीना प्रभावित कर सकते हैं 100 लोगों में से एक को। दुर्लभ दुष्प्रभाव अस्थायी तौर पर चेहरे का एक तरफ लकवा, एलर्जी संबंधी प्रतिक्रिया, उदाहरण के लिए पित्ती, चेहरे पर सूजन प्रभावित कर सकते हैं 1000 लोगों में से एक को। ज्ञात नहीं दुष्प्रभाव गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया, मायोकार्डिटिस या पेरिकार्डिटिस, जिसके परिणाम स्वरूप सांस की तकलीफ, धड़कन या सीने में दर्द हो सकता है, टीका लगाए गए अंग पर व्यापक सूजन, चेहरे की सूजन। चेहरे की सूजन उन रोगियों में हो सकती है जिनके चेहरे की त्वचा संबंधी फिलर्स हो चुके हैं। प्रभावित कर सकते हैं, उपलब्ध आंकड़ों से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
टीकाकरण के बाद प्रतिकूल परिणामों की रिपोर्टिंग। स्वास्थ्य विभाग यानी DH के पास एक प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया यानी ADR रिपोर्टिंग प्रणाली है, जो COVID-19 वैक्सीन की सुरक्षा निगरानी के प्रतिकूल परिणामों की आगामी टीकाकरण यानी AEFI रिपोर्टें प्राप्त करती है। यदि टीकाकरण के बाद आपके साथ कोई संदिग्ध प्रतिकूल घटना होती है तो कृपया स्वास्थ्य विशेषज्ञों जैसे डॉक्टर, दंत चिकित्सक, फार्मासिस्ट, नर्स और चीनी दवा व्यवसायी को इस खतरे के बारे में सूचित करें। जब उनका परामर्श लें तो DH को सूचित करते समय AEFIs की रिपोर्ट करें, अगर वे मानते हैं कि AEFIs टीकाकरण से जुड़ा हो सकता है। COVID-19 टीकाकरण के साथ जुड़ी सुरक्षा और नैदानिक घटनाओं की लगातार निगरानी के लिए टीकाकरण के लिए एकत्र किया गया आपका व्यक्तिगत डेटा और अस्पताल प्राधिकरण और प्रासंगिक निजी स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा रखे गए आपके नैदानिक डेटा स्वास्थ्य विभाग और सरकार के साथ काम करने वाले संबंधित संगठनों, हांगकांग की यूनिवर्सिटी सहित द्वारा पुनः प्राप्त और उपयोग किए जा सकते हैं, जहां तक हो इस तरह की जानकारी निगरानी के लिए आवश्यक है। ऐसी स्थितियों में जब इंजेक्शन लेने के 24 घंटे के बाद इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द या लाली बढ़ जाती है या आपके दुष्प्रभाव आपको परेशान कर रहे हैं या लगता नहीं कि कुछ दिनों में समाप्त होने वाले हैं, तो कृपया अपने डॉक्टर से संपर्क करें। यदि आप चिकित्सा सहायता लेते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप स्वास्थ्य विशेषज्ञों को अपने टीकाकरण विवरण के बारे में बताएं और यदि उपलब्ध हो तो उन्हें अपना टीकाकरण रिकॉर्ड कार्ड दिखाएं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ तब उचित मूल्यांकन करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो कोई AEFI रिपोर्ट करेंगे, जिसे स्वास्थ्य विभाग के लिए आगे की कार्यवाही और मूल्यांकन के लिए चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। कृपया स्वास्थ्य विशेषज्ञ को COVID-19 टीकाकरण से जुड़ी सुरक्षा और नैदानिक घटनाओं की सतत निगरानी के लिए AEFI रिपोर्ट करने के लिए प्रतिकूल परिणाम के मामले की जानकारी, व्यक्तिगत और नैदानिक विवरण आपकी सहमति से स्वास्थ्य विभाग को पारित करने की अनुमति दें। टीके की जानकारी और दुष्प्रभावों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कृपया https://www.covidvaccine.gov.hk/website पर जाएं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए संदेश, कृपया चिकित्सीय मूल्यांकन करें और यदि आप वैक्सीन से संबद्ध AEFI को चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं तो कृपया इसके बारे में इस वेब पेज पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के दवा कार्यालय को रिपोर्ट करें। https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/healthcare_providers/adr_reporting/index.html। यदि टीका लगवाने वाला व्यक्ति टीकाकरण के बाद गंभीर प्रतिकूल परिणाम का अनुभव करता है तो कृपया उस व्यक्ति को अस्पताल भेजें। मैंने सभी सूचनाओं को तथ्य पत्रों और व्यक्तिगत डेटा के संग्रह के उद्देश्यों के विवरण में प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पढ़ा और समझा है और COVID-19 टीकाकरण कार्यक्रम के तहत मुझे, मेरे बच्चे, मेरे संरक्षित के COVID-19 टीकाकरण क्रियान्वयन के लिए मेरी सहमति है और मेरे, मेरे बच्चे, मेरे संरक्षित के व्यक्तिगत डेटा के साथ साथ मेरे, मेरे बच्चे, मेरे संरक्षित के COVID-19 टीकाकरण के साथ जुड़ी सुरक्षा और नैदानिक घटनाओं की लगातार निगरानी के लिए अस्पताल प्राधिकरण और प्रासंगिक निजी स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा रखे गए नैदानिक डेटा स्वास्थ्य विभाग और सरकार के साथ काम करने वाले संबंधित संगठनों यानी हांगकांग की यूनिवर्सिटी सहित द्वारा पुनः प्राप्त और उपयोग किए जा सकते हैं,
जहाँ तक हो इस तरह की जानकारी निगरानी के लिए आवश्यक है। कृपया उपयुक्त भाग को मिटा दें। अनुवादित संस्करण केवल संदर्भ के लिए है। संस्करण दिनांक 11 नवंबर 2021, अनुवादित संस्करण और अंग्रेजी संस्करण के बीच विसंगतियां होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.covidvaccine.gov.hk पर जाएं।